अस्सलामुअलैकुम। आज तबीयत कुछ नासाज है और 11:30 बज गए, 12:30 हो गए और मैं तो जी अभी भी चार पाई पे ही हूँ। अब ऐसे ही करते हैं, यहाँ से ये पर्दे परे करके रोशनी के नज़ारे लेते हैं। आज सुबह सुबह इधर सफाई का भी काम जारी है। ये विंडो पे भी इन्होंने पानी गिरा के सफाई करने के चक्कर में। मौसम आज जो है वो काफ़ी बेहतर है, रोशनी काफ़ी ना धूप निकली हुई है। ये देखिए विंडो साफ हो रही है और साथ शेर भी साफ कर रही है। मौसम बिल्कुल साफ है, कल भी साफ था और आज भी। हमारी तो हो सकता है आज का दिन चार पाई पे ही गुजरे। कहते हैं ना कि जान है तो जान है, जब सेहत ठीक होती है तो हमें कदर नहीं होती, जब बीमार होते हैं चार पाई पे कोई 12-24 घंटे गुजरते हैं तो फिर एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। घास पे बैठ के आज कोई रेस्ट करते, घास भी लगता है मली में, शायद आज ही काटा है। नहा के तो थोड़ी ठंड महसूस होना शुरू हो गई। चलो जी, अब कुछ तो भी है बेहतर हुई है। ये कुछ बर्तन थे फार्म के, ये बर्तन ले के तो फार्म पे चलते हैं, जरा थोड़ी देर धूप में बैठते हैं वहाँ पे, ये तो इससे मज़ीद बेहतरी आएगी। बाहर भी कोई आ गया, राशन का कुछ सामान सी। आलू बहारे की चटनी भी तैयार हो चुकी है घर में, स्पेशल रमजान ऑफर, ये यहाँ गिफ्ट जा रहा है मेरे दोस्त हैं उनको, मैं बच्चा आ गया लेने। राशन तो पता ही कर लो कितने भी जिधर चक्की है ना कोटले कोटले बस उतने देखो जा जिधर पता कर डेरी भी है ऐसी। हाँ अरशद की डेरी, कामरान चला गया चलो ठीक है, उन्होंने भेजी इधर बाहर ये लाभ गया थे। दरवाजा यार खोले, मैं गड्डी करनी, दरवाजा खोले। तो जप्पू बाहर घूम रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं बैल, क्या कर रहे हैं? छोटे भाई के बच्चे हैं,
मंसूर के। मौसम ठीक है ना, आज लूसन भी तैयार खुश्क हो रहा है इधर, सीवरेज सिस्टम, पानी देखें बाहर खड़ा हो, रोड़ा भी खुल गया, इधर देखें पानी सारा अंदर आ गया। ये तो सीवरेज का निजाम है, अब पंप लगा के ये निकालना पड़ेगा सारा। चाट मसाला कोई नहीं, थोड़े पकौड़े घटा मैनेजर साहब की फरमाइश पे स्पेशल पिज्जा घर से बन के आए हैं। चार पिज्जे ने ते इन्हां दे 32 पीस ने। अब अगर सारे तकसीम करने लगे मैनेजर चक मारना यार, दुनिया नु महाया है कि नफरत तू तुने दू प्यार ही है। क्या चुप आजे ले आओ कीमा खा फड़ो एक पीस मैनेजर नु पीस दे, कोई भी पीस फाड़ लो इसमें ना पड़े खींच लियो। मेरे से निका पीस आया लो जी, तुसी भी टुक लो। मैनेजर साहब पिज्जा टुकते हुए टुकते हुए टॉप क्लास। आज आपको स्पेशल चीज बताते हैं, गाय को जो है ये बीज रखने लगे, तो वो कैसे रखते हैं ये देखते हैं। क्या प्रोसीजर होता है इसका? पहले ना इसको हैंग करना है पानी के अंदर। अच्छा। 30 सेकंड सिम को निकाल के ना, ये नाइट्रोजन होती है इसके अंदर -196 माइनस, तो इसको नॉर्मल करना है पहले टेम्परेचर इसका, फिर इसको लोड करके गन में, तो जो इस गाय में ना बीज रखने हैं, अभी रखते हैं तो फिर आपको वीडियो दिखा दें। कितने दिन कर जाती है? 15 दिन। ये ट्यूब है जी, अब इस ट्यूब को इसमें भर के एंड अंदर मनी है, टाइम इज मनी, मनी इज बचा, गंदे भी आंदे गंदा बचा, गंदियां सोचा, गंदियां सोचा नहीं, देखो ये सिस्टम ही चलदा है जेड़ा। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये सारा प्रोसीजर, दुकाना गंदा हो गया यार। नहीं ये पहले इसी को चेक किया, एक ही करनी है। अच्छा, ऑलरेडी गोया जता है। बस ना, मोबाइल तो नहीं डिस्टर्ब हो रही। बस
काम तो इंतहाई साफ सुथरा है। ये देखें जी, अब इन्होंने ये बीज रख लिया इसमें। ये इंतहाई नाजेबा वीडियो बनाने के लिए आपसे माजरत हुआ है, लेकिन मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ। शेखा जी आपको ये दिखा दें, ये आजकल जो है इंसेमिनेशन कैसे हो रही है, यानी कि जो गाय में मसनू नस्ल कशी है वो कैसे कर, ये है जी सारा काम हो गया। जी बिल्ली पीछे मैनेजर साहब की जिंग बता रही है, आवाज़ सुनिएगा। कितने में वो पिछले पास है। हेलो चिंगे लाना छोड़ के माना दुनिया दरवाजे से बैठी फैलान दूर के लिए दरवाजे के आगे रखा है बिल्कुल। ये क्या पड़ा है, गोभी गोभी आ गई। ये चीजें आई गोभी है, मूलियां गोलू गाजरें गाजरें में गोभी। ये सब्जी जो है ये हमने फैसला किया कि ये सारी डोनेट कर देंगी, यानी कि रमज़ान अल मुबारक है ना, तो ये हमने सारी सब्जी दे देनी है किसी को जो मुस्तहिक हो। हमारे माशरों में बड़े लोग मिल जाते हैं जो मुस्तहिक हैं, सब्जी आजकल इतनी महंगी हो गई है वो खरीद भी नहीं सकते।